मंत्री बिसाऊ लाल के द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वर्ण समाज महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का उपयोग किए जाने का मामला थमते नजर नहीं आ रहा है। रविवार को गायत्री मंदिर परिसर में क्षत्रिय महासभा और राजपूत समाज जन इकट्ठा हुए। प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह तंवर की मौजूदगी में समाज जनों की बैठक आहूत हुई, जिसमें सामाजिक गतिविधियों के आगामी दिनों में बसंत पंचमी पर होने वाले समाज के सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में खरगोन कृषि मंडी परिसर में बसंत पंचमी पर 5 फरवरी को भव्य सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें कई जोड़े शामिल होंगे। बैठक के बाद आक्रोशित समाज जन भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां मंत्री बिसाऊ लाल के बयान पर आक्रोश दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे आप आए, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपका जो ज्ञापन है वो बीडी शर्मा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और शिवराज जी के नाम समिति की बैठक थी बसंत पंचमी पर आगामी 5 फरवरी को जो है यहाँ पर सामूहिक विवाह संपन्न होंगे, उसी को लेकर आज बैठक की गई और बैठक के बाद में यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। दो चरणों में शायद विवाह संपन्न होगा क्या? नहीं, एक ही चरण में विवाह संपन्न होंगे, चूंकि बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया पे भी शादियाँ होती है, तो खरगोन में प्रॉपर खरगोन में जो है बसंत पंचमी भी होगा और अक्षय तृतीया पे जो है कसरावत में विवाह संपन्न होता है। क्या नाम? प्रहलाद सिंह तंवर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश, प्रदेश अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।